तो इसमें पहला क्वेश्चन है इसमें सभी क्वेश्चन पूर्व में पूछे हुए हैं एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं चाहे वो एस एस सी का हुआ या एस एस जेई का हुआ एम का हुआ सी जी एल लेवल का हुआ ठीक है क्वेश्चन देखिएगा पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत्त स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है तो यह पाया गया है आपका मोहनजोदड़ो में ठीक है यह एस एस सी पी ओ में पूछा गया क्वेश्चन है ठीक है किस एग्जाम में पूछा गया है यह मैं आपको नीचे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं आंसर भी लिखा हुआ है मैं आपको सिर्फ आंसर बताता चलूंगा ठीक है 2017 का यह क्वेश्चन था ठीक है टीयर वन में पूछा गया था अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर हड़प्पा समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी इसका आंसर होगा आपका दैमाबाद दैमाबाद कहाँ है यह आपका महाराष्ट्र में है नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा हमारा निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेरा कोटा प्राप्त हुआ इसका आंसर होगा आपका बनावली ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है काली बंगा जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का और यह प्रसिद्ध था मिट्टी के पात्र बनाने के लिए यह एम का क्वेश्चन था ठीक है 2018 में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी तो यह थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता थे ठीक है तो यह थे दयाराम साहनी दयाराम साहनी ने ही सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की थी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था लोथल जो है एक बंदरगाह था ठीक है गुजरात में ठीक है इस समय गुजरात में पड़ेगा लोथल और यह एक बंदरगाह था उस टाइम पे। यह एस एस सी सी का क्वेश्चन था 2018 में सिफ्ट थर्ड में पूछा गया था अगला क्वेश्चन है सरतुघई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है सरतुघई जो है यह अफग़ानिस्तान में इस टाइम पर है ठीक है यह भी सी एच एस एल का ही क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है धौलावीरा जो है यह जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है सीपीओ का यह क्वेश्चन है ठीक है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी ऐसी कौन सी धातु है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी वह थी लोहा ठीक है लोहा की जानकारी इनको नहीं थी ठीक है तांबा कांसा इनकी जानकारी इनको थी हड़प्पा सभ्यता को लोहे की जानकारी इनको ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल जब आया ठीक है 600 ईसा पूर्व में इनको जानकारी हुई ठीक है आर्यों को ठीक है यह एस एस का क्वेश्चन था ठीक है 2019 में लेटेस्ट क्वेश्चन है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं मोहन का स्थानीय नाम क्या था तो मोहन को कहा जाता है क्या मृतकों का टीला ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहन का स्थानीय नाम तो मोहन का स्थानीय नाम रिपीटेड क्वेश्चन है एस जेई में भी पूछा गया था मृतकों का टीला कहा जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन जो है हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे यह लोग देवी माँ और पशुपति की पूजा करते थे ठीक है सी एच एस एल का यह क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया था लेटेस्ट क्वेश्चन ठीक है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है यह है ग्रेट ग्रैनरी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विशाल स्नानागार कहाँ पर है तो यह मोहनजोदड़ो में पाई गई थी ठीक है अन्नागार और अस्नानागार दोनों मोहनजोदड़ो में ही पाई जाती है ठीक है पाई गई थी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह मिलाप करने के लिए पूछा गया था और इसका आंसर दिया हुआ है ए ठीक है देख लेते हैं क्या होगा जो मोहन जोदड़ो है ठीक है ए जो है राइट right आंसर है ए का फोर्थ में होगा यानी कि लोथल ग्रथ ठीक है ग्रेटवाथ यानी कि विशाल स्नानागार जो है वह कहाँ पाया गया था मोहनजोदड़ो में ठीक है बी का होगा वन यानी कि हड़प्पा जो है वह कहा क्या है स्टेचू ऑफ प्रीस्ट ओके सी जो है यानी कि कालीबंगन वह क्या है वह वहाँ पर के चिन्ह मिले हैं और डी जो है लोथल उसका आपका बी होगा यानी कि पट्टन है ओके यह एक बंदरगाह था नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था तो बंदरगाह आपको पता होना चाहिए लोथल में था जो कि गुजरात में है ठीक है यह सी एच एस एल का क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किसकी खेती रबी की फसल के रूप में की जाती थी रबी के फसल के रूप में किसकी खेती की जाती थी तो वह की जाती थी ये ऑप्शन आपका सही होगा गेहूं ठीक है गेहूं की खेती इनके द्वारा की जाती थी अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मोसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था तो यह ऑप्शन होगा बी ठीक है लोथल लोथल एक बंदरगाह भी था और यहीं से मेसोपोटामिया के साथ सीधा व्यापार होता था समुद्र के द्वारा यह सीपीओ का क्वेश्चन है ठीक है 2016 में पूछा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रय का भाग नहीं है ठीक है चार वेद हमारे हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद इनमें से कौन सा वेद त्रय का भाग नहीं है अथर्ववेद अथर्ववेद में जादू टोने से संबंधित बातें हैं इसको वेद त्रय में नहीं रखा गया है बाकी जो तीन वेदें हैं ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद इनको वेद त्रय कहा जाता है ठीक है और यह 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एस एस का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है सोम देवता को समर्पित कौन सा मंडल है नौवा मंडल ठीक है और यह भी एस एस जेई का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद किस बारे में है उपनिषद किस बारे में है यह हमारा दर्शन शास्त्र फिलॉसफी से संबंधित है C.H.S.L का भी एक क्वेश्चन है 2017 में पूछा हुआ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार और मंत्र दिए गए हैं अभी मैंने बताया भी आपको वेद से यह संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन है, है निम्नलिखित में से किसको ऋग्वेदी काल में नहीं जाना जाता है ठीक है तो यह वर्ड प्रथा जो थी इसको ऋग्वेद काल में नहीं जाना जाता नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम वेद है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है ठीक है और यह सीजीएल का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है वह है यजुर्वेद यजुर्वेद में ही यज्ञ संबंधी बातें बताई गई हैं ठीक है ठीके? यह जेई का क्वेश्चन है दो में पूछा हुआ अगला क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है यह है कड़ाद ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कि, किसको छोड़कर अन्य सभी वैदिक देव कुल के प्रमुख देवता हैं ठीक है दुर्गा को छोड़कर के सभी जो हैं अग्नि इंद्र और सोम यह प्रमुख देवता थे वैदिक काल के ठीक है ये MTS में पूछा हुआ क्वेश्चन था वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई थी तो यह हुई थी वैदिक काल की जो रचना है यह हुई थी आपकी 3500 सौ ईसा पूर्व से पच्चीस सौ ईसा पूर्व तक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल का यह क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बौद्ध ग्रंथ सोलह महाजनपदों का उल्लेख करता है ठीक है तो यह क्वेश्चन है सीजीएल में पूछा हुआ है यह क्वेश्चन है इसका आंसर होगा अंगुत्तर निकाय ठीक है अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें सोलह महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता माने गए हैं इंद्र ठीक है इंद्र को प्रमुख देवता माना गया है एस एस सी सी जी सी एच एस एल का यह क्वेश्चन है दो हजार अट्ठारह में पूछा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलह महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी तक्षशिला किसकी राजधानी थी तो यह थी गांधार की राजधानी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे तो सोलह महाजनपद थे ठीक है यह सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है आसान सा क्वेश्चन है और सभी को पता होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद राजवंश का संस्थापक कौन था वंश का संस्थापक था महापदम नंद ठीक है बहुत ही प्रतापी राजा था और इसने भी कलिंग पर आक्रमण किया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जैंडमीज किसे कहा गया है यह कहा गया है घनानंद को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंबिसार किस वंश के राजा थे बिंबिसार जो हैं वह किसके राजा थे हरियक वंश हरियक वंश की यह संस्थापक भी थे ठीक है बिम्बिसार को हरेक वंश का संस्थापक कहा जाता है और इनके ही पुत्र थे कौन अजाजशत्रु ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है अजाजशत्रु किसके बेटे थे ठीक है यह बेसिकली पूछा गया है आपसे ठीक है सी एच एस एल का क्वेश्चन है बिम्बिसार के यह पुत्र थे ठीक है प्रारंभ में राजगाह जो आधुनिक राजगीर का प्राकृत नाम है मगध की राजधानी थी ठीक किस है किसकी राजधानी थी यह कहाँ पड़ता है बिहार में ठीक है राजगृह नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शासक मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है इसमें से कौन ऐसा शासक है जो मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है तो वह है राजा धीराज ठीक है बाकी जितने हैं बिमिसार अजाशत्रु यह वंश से संबंधित है और महापदम नंद नंदवंश का संस्थापक यह भी हरियक मगध साम्राज्य से संबंधित है यह सी का क्वेश्चन है 2016 में पूछा हुआ ठीक अच्छा है अच्छा क्वेश्चन है जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया तो यह किया गया अंग का ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन शिव और मोहिनी के पुत्र हैं और जिन्हें सास्था भी कहा जाता है तो वह है अयप्पा अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे तो गौतम बुद्ध जो थे के थे ठीक है है अगला question, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत ही है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नयनारो के नेतृत्व में हुआ जो किसके भक्त थे यह थे शिव भक्त ठीक है अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है त्रिपिटक जो है वह किससे संबंधित है बौद्ध धर्म से ठीक है सुत्त पिटक अधिधम पिटक और धम्म यह बौद्ध धर्म से संबंधित है तीन पिटक है ठीक है उस चीनी तीर्थयात्री का नाम बताइए जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था तो चीनी यात्री दो लोग आए थे एक हर्षवर्धन के टाइम पर और एक चंद्रगुप्त के टाइम पर ठीक है तो बीज ऑप्शन इसका सही होगा ठीक है वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के टाइम पर आया था ठीक है इसका एस एस जेई का यह क्वेश्चन है 2016 में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था तो यह था पहली बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था ठीक है अगला क्वेश्चन त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं ठीक है ये बौद्ध बुद्धिष्ट से संबंधित है बौद्ध धर्म से एमटीएस में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है बुद्ध के उपदेश जो थे वह पाली भाषा थे ठीक है आम आम जन की यह भाषा थी पाली भाषा ठीक है और जो जैन धर्म की भाषा थी वह आम जन की भाषा नहीं थी इसीलिए वह अधिक प्रसिद्ध नहीं हो पाए ठीक है अगला क्वेश्चन है किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया ठीक है यह क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा आपका महाबोधि मंदिर समूह अगला क्वेश्चन संथारा समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है ठीक है कौन सा तो इसका जैन धर्म समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है संथारा ठीक है जेई में यह पूछा हुआ क्वेश्चन था अगला क्वेश्चन किस भारतीय धर्म में चौबीस तीर्थकर हुए हैं ट्वेंटी फोर तीर्थकर ठीक है कर, तो यह जैन धर्म से संबंधित था जैन धर्म में चौबीस तीर्थकर हुए हैं पहला तीर्थकर ऋषभ देव को माना जाता है और अंतिम तीर्थकर जो कि चौबीसवीं तीर्थकर हुए महावीर स्वामी को माना जाता है ठीक है और एस एस सी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में है यह पाकिस्तान में है ठीक है अगला क्वेश्चन कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है कैवल्य जो है वह जैन धर्म से संबंधित है ठीक है सी का यह क्वेश्चन है 2018 में पूछा हुआ गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था कुशीनगर में ठीक है जब इनकी मृत्यु हुई थी उसको उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है और यह इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी कुशीनगर में ठीक है सी में पूछा हुआ है दो में बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत के कुछ अंश में भगवान विष्णु को भगवान के नाम से भी जाना जाता है ठीक है वेंकटेश्वर में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थकर कौन है महावीर स्वामी ठीक है सी ऑप्शन आपका सही होगा सी एच एस एल में पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी है ठीक है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था ठीक है लुम्बनी में हुआ था सॉरी इनका जन्म कहाँ हुआ था कुंड ग्राम में लुम्बनी में कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन किससे संबंधित है नयनार जो है जैन संप्रदाय से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गुम्बदकार स्मारक का नाम बताना है तो यह क्या है स्तूप कहे जाते थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है स्टूप जो है यह मृत्यु से संबंधित है ठीक है जेई में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है प्राचीन काल में गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ज़्यादातर किस भाषा का प्रयोग किया जाता था प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता था पाली भाषा का ठीक है और अगर बात की जाए जैन धर्म की तो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे वह थे ऋषभदेव, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ तो यह हीनयान और महायान में कनिष्क के टाइम में विभाजित हुआ था जो कि तीसरी बौद्ध सभा थी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है वर्धमान महावीर और किस नाम से प्रसिद्ध हैं या विख्यात हैं तो महावीर को किस नाम से जाना जाता है इनको जिन कहा जाता है ठीक है इन्होंने अपने सभी इंद्रियों को जीत लिया था ठीक है सीजियल का यह क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं ठीक है क्वेश्चन रिपीट hmm. हुआ है और बहुत बार एसएससी ने इस क्वेश्चंस को पूछा है इन क्वेश्चंस को अगर बहुत बार एसएससी ने पूछा है यानी कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ है दो हजार सोलह में ठीक है बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो हैं पाली भाषा में और जैन धर्म के ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए थे अगला क्वेश्चन बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है अष्टांग मार्ग में क्या शामिल नहीं था ठीक है और अगला क्वेश्चन है महावीर का प्रथम शिष्य कौन था तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जो थे वह थे जामिल जो कि इनके ही दामाद थे ठीक है यह भी सीपीओ का क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम धर्मोपदेश में किस नाम से जाना जाता है उसको तो जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन ठीक है अगला क्वेश्चन है धर्म के तेईसवें तीर्थकर कौन थे तेईसवें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ ठीक है यह भी जेई में पूछा गया था दो में ठीक है तो आपको पहले तीर्थकर ऋषभ देव याद रखना है ठीक है तेईसवा पार्श्वनाथ और चौबीसवें तीर्थकर महावीर स्वामी को याद रखना है ठीक है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे कनिष्क के राजवैद्य कौन थे चरक ठीक है जिन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक भी लिखी बहुत ही इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है सिकंदर ने हैद्रप्रेस के हाइडे स्पीच के युद्ध में किसको हराया था तो पोरस को हराया था ठीक है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये युद्ध हुआ था इसको वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कुसार साम्राज्य का संस्थापक कौन था कुजुल कटफीसियस ठीक है यह सीपीओ का क्वेश्चन है 2017 में पूछा हुआ ठीक है कुसार वंश का संस्थापक और कुसार वंश का सबसे महान शासक कनिष्क को माना जाता है जिसके समय में तीसरी बौद्ध सभा भी आयोजित हुई थी ठीक है जिसमें हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था साथ ही साथ उसने सिल्क मार्ग को भी कुछ समय के लिए कंट्रोल किया हुआ था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश से था इसमें से तो यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं जिसमें से कुजुल कटफिसियस जो था वह कुषाण वंश से संबंधित था और इसने ही कुषाण वंश की स्थापना भी की थी ठीक है यह भी सी में क्वेश्चन पूछा हुआ था मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था यह किसके द्वारा भेजा गया था मेगास्थनीज जो था वह सेल्यूकस के द्वारा भेजा गया था ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अगला क्वेश्चन है सेल्युकस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था किसका राजदूत था तो यह राजदूत था यूनान का ठीक है मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी उसको भी आप लोग को ध्यान देना है यह क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिका किसकी पुस्तक है तो मेगस्थनीज ने उस पुस्तक को लिखा है ठीक है कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था कलिंग का युद्ध लड़ा गया था दो सौ इकसठ ईसापुर में ठीक है अगला क्वेश्चन है यूनानी राजदूत मेघस्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में था चंद्रगुप्त मौर्य की ठीक है अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र ठीक है जो कि अभी पटना है ठीक है अगला क्वेश्चन कलिंग का युद्ध वर्ष क्या है कलिंग का युद्ध हुआ था दो ईसा पूर्व में यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं यह भी एसएससी सीएचएसएल में 2018 में पूछा हुआ था ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे किसके किस धर्म के अनुयायी थे तो यह थे जैन धर्म के चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था कर्नाटक जाकर के ठीक है श्रवण बैलगोला में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे ठीक है जैन धर्म को अपना लिया था अंतिम वर्षों में अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त के बारे में बात कर रहा है 322 से दो सौ अंठानवे ईसा पूर्व तक जिन्होंने शासन किया तो यह मौर्य वंश से संबंधित है ठीक है अगला क्वेश्चन बिंदुसार किसका पुत्र था बिंदुसार जो है वह चंद्रगुप्त का पुत्र था ठीक है मौर्य वंश का था बिंदुसार अगला क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे तो यह है 340 सौ चालीस में महान अशोक किस वंश का शासक था यह मौर्य वंश का शासक था बिंदुसार का पुत्र था ठीक है चंद्रगुप्त के पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक ठीक है अगला क्वेश्चन अशोक किस राजवंश के राजा थे अशोक जो थे यह मौर्य के थे अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य पाटल पुत्र में पैदा हुए जो अब कहां पर है यह बिहार में है ठीक है बिहार में है नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक राजवंश के थे किस राजवंश के मौर्य वंश के बहुत ही बार यह क्वेश्चन पूछा गया है अशोक के बारे में ठीक है मौर्य वंश के संस्थापक मौर्य वंश के थे बिंदुसार के पुत्र थे ठीक है और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे ठीक है इन्होंने कलिंग नामक युद्ध भी लड़ा दो ईसा पूर्व में ठीक है और दो ईसा पूर्व में ठीक है इन्होंने राजगद्दी को प्राप्त भी किया ये सब बातें अशोक के बारे में जानना जरूरी है इन्होंने धर्म नामक धर्म भी चलाया ठीक है बौद्ध धर्म के ये अनुयायी थे ठीक है ये सब बातें जानना जरूरी है अशोक के बारे में पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो यह भी सीजियल में पूछा हुआ था अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया बौद्ध धर्म को ठीक है अगला क्वेश्चन सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था सांची में स्थित जो बौद्ध स्मारक हैं उसका निर्माण किया था गुप्त राजवंश ने ठीक है सॉरी सांची में जो था उसका तो निर्माण किया था मौर्य राजवंश ने साची का जो स्मारक था बौद्ध स्मारक उसका निर्माण मौर्य राजवंश ने किया था क्योंकि साची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य किसके सलाहकार थे चाणक्य जो थे वह किसके प्रमुख सलाहकार थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है बिषणु गुप्त के भी नाम से जाना जाता है और इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था जो कि नंद वंश का शासक था मगध साम्राज्य से संबंधित और मौर्य वंश की स्थापना की थी ठीक है अगला क्वेश्चन चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है और तो चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है यह सीपीओ का क्वेश्चन है दो में पूछा हुआ अगला क्वेश्चन है अशोक को प्रारंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है जिन्होंने वर्तमान में तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की तो उड़ीसा में जो कलिंग है उस पर भी विजय प्राप्त की थी अशोक ने ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख पर किस लिप का प्रयोग किया गया है तो किस लिप का प्रयोग किया गया है ब्राह्मी लिपि का ठीक है और सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था जेम्स प्रिंसप ने ठीक है तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ठीक है महान अशोक दो से दो ईसा पूर्व किस वंश के शासक थे यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है देखिए आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह मौर्य वंश से थे ठीक है यह फिर से पूछा गया है एस एस में दो में ठीक है तो इसको तो आप लोग जरूर याद कर लीजिए अशोक किस वंश के थे मौर्य वंश के ठीक है बिंदुसार के पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार ठीक है एम का यह क्वेश्चन है किसके शासनकाल में वेनसांग भारत आया था वेनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ सरो बेलगोला गए थे चंद्रगुप्त ठीक है चंद्रगुप्त भद्र भद्रबाहु के साथ जो कि जैन धर्म के थे जैन धर्म के जैन अनुयायी थे ठीक है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन दीक्षा ली और सरौण गोला चले गए कर्नाटक में और वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए ठीक है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में से किसे एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था किसके लिए ठीक है तो यह हुआ था गौतमी पुत्र के लिए अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री सुंगयून भारत कब आया था तो सुंगयून भारत कब आया था यह आया था 518 से 518 सौ ईस्वी में ठीक है राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित कर ली तो सबसे पहले इसकी राजधानी थी थानेश्वर ठीक है थानेश्वर उसके बाद इसने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित कर ली ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस राजवंश से था तो जो कलिंग नरेश थे खारवेल वह थे महामेघवाहन वंश बहुत ही प्रतापी राजा था ठीक है खारवेल अगला क्वेश्चन है राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण भट्ट ठीक है बहुत ही महान कवि थे और इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया तो मौर्यों के बाद जो है वह कौन सा वंश आया शुंग वंश आया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान के वैशेषिका स्कूल ने इसके काल के दौरान परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो वह कौन था गुप्त वंश ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है तो वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की ठीक है चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को बाहर खदेर बाहर खदेड़ दिया था ठीक है चंद्रगुप्त द्वितीय के ही टाइम में ठीक है इन, इनके दरबार में नौ रत्न रहते थे ठीक है जिनमें आर्यभ आर्यभट्ट ठीक है और बहुत सारे लोग रहते थे नौ लोग रहते थे विशाखदत्त दत्त रहते थे कालिदास रहते थे ठीक है बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे जिनकी रचनाएं भी हमसे पूछी जाती है एग्जाम्स में तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन है चालुक्य शासक पुलके सीन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष क्या है तो वह है छः सौ अट्ठारह चालुक्य शासक जो था पुलकेसिन पुलके सिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था यह दक्षिण भारत का शासक था पुलके और हर्षवर्धन जो था वह उत्तर भारत का था दोनों लोग अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और नर्मदा नदी के तट पर इन दोनों का युद्ध हुआ था जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी ठीक है तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है छः सौ अट्ठारह ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था इसने यह एसएससी सीजियल में देखिए पूछा हुआ है दो में लेटेस्ट क्वेश्चन भी है गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी तो वह थी प्रभावती ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है महरौली का जो लौह स्तंभ है शिलालेख इसके राजा चंद्र की पहचान इतिहासकारों ने किसके साथ की है तो वह की है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के साथ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है हमें तो वह है भानुगुप्त का एरड़ शिलालेख ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भानुगुप्त का एरड़ शिलालेख से हमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है प्राचीन काल के ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त ठीक है एम का क्वेश्चन है 2016 में पूछा हुआ अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी जिसका अर्थ क्या है तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी धारण की इसका अर्थ होता है सूर्य देवता ठीक है सूर्य देव किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है तो गुप्त काल को माना जाता है स्वर्ण युग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजाधिराज की उपाध लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था तो देखिए गुप्त काल में जो श्रीगुप्त है उसको गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है लेकिन उसने कभी भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण नहीं की और प्राचीन काल में जो राजा था शासक थे ठीक है उनकी उपाधियों से ही हमें पता चलता है कि वह राजा या शासक कितना महान शासक था और उसकी जो शक्ति थी वह कितनी विशाल थी ठीक है उसका साम्राज्य विस्तार कितना था ठीक है लेकिन श्रीगुप्त ने कभी भी कोई उपाध धारण नहीं की थी इसीलिए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को क्योंकि इसने ही सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाध धारण की ठीक है और इसे ही वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है गुप्त काल का ठीक है चंद्रगुप्त प्रथम को क्योंकि इसने महाराजा धीराज की उपाध धारण की और साथ ही साथ अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया और इससे इसकी शक्ति हमें पता चलती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यह एस एस सी का क्वेश्चन भी था ठीक है दो में पूछा हुआ है और अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त काल के को गुप्त शासक के दरबार में थे तो यह थे चंद्रगुप्त द्वितीय के ठीक है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नौ रत्न रहते थे ठीक है सिर्फ मुगल वंश का शासक अकबर ही नौ रत्न नहीं रखता था चंद्रगुप्त द्वितीय जो था विक्रमादित्य उसके दरबार में भी नौ रत्न रहते थे जिसमें से आर्यभट्ट और काल अगला क्वेश्चन है भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा गया है तो फिर से यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण काल कहा गया है ठीक है सीपीओ का यह क्वेश्चन था अगला क्वेश्चन है प्रभावती गुप्त प्रारंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक की पुत्री थी किसकी पुत्री थी यह तो यह थी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री जिन्होंने 375 से 415 सौ ईस्वी के आसपास यह शासन किया इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन घटोत्क जिसने 290 से 305 सौ ईस्वी में राज किया किस साम्राज्य का राजा था घटोत्कच जो था वह किस साम्राज्य का राजा था यह था गुप्त साम्राज्य का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का कौन सा सबसे पहले राजा था ठीक है सबसे पहले श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी राजेंद्र प्रथम ने ठीक है जो कि चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था ठीक है अगला क्वेश्चन है प्रथम हुड़ आक्रमण कब प्रारंभ हुआ था तो प्रथम हुड़ आक्रमण हुआ था चार सौ ईस्वी में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे राजेंद्र प्रथम जो कि चोल वंश के थे यह किसके पुत्र थे यह थे राजराज प्रथम के पुत्र ठीक है बहुत ही प्रतापी राजा थे यह सीपीओ का क्वेश्चन है 2017 में ठीक है पूछा हुआ चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार मंदिरों में उपहार में भूमि कहा जाता था जो मंदिरों में उपहार दी जाती थी उस भूमि को क्या कहा जाता था ठीक है उसे देवदान कहा जाता था ओके जो चोल अभिलेख हैं, उसमें भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार मंदिरों में जो उपहार दी जाती थी भूमि उसे देवदान कहा गया है ठीक है और यह सीजीएल का क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार जैन संस्थानों को दान दी जाने वाली भूमि को क्या कहा गया है उसे पल्ली चंदम कहा गया है ठीक है अगला क्वेश्चन है चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतम शासन करते थे तो यह दक्षिण भारत में शासन करते थे चोल ठीक है अगला अगला हमारा क्वेश्चन है चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसी विद्यालय को अगर भूमि दान दी गई रख रखाव के लिए तो उसे क्या कहा गया है उसे साला भोग कहा गया है ठीक है तो यह सारी बातें जानना जरूरी है पूछे गए हैं क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है चोल अभिलेखों के अनुसार अगर ब्राह्मण गैर ब्राह्मण किसान को स्वामी की भूमि कहा गया है ठीक है क्या कहा गया है उसे उसे वेलन गवाई कहा गया है ठीक है अगला क्वेश्चन है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा गया है उसे ब्रह्म कहा गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की प्रथम रानी ने वारगल क्षेत्र पर शासन किया तो यह कौन थी रुद्रमा देवी ठीक है रुद्रमा देवी जो थी वह काकतीय वंश की प्रथम रानी थी जिन्होंने वारगल क्षेत्र पर शासन किया ठीक है पल्लव वंश की राजधानी कौन थी तो पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम ऐसा कहा भी जाता है कांची के पल्लव ठीक है तो ऐसे आप याद कर सकते हैं अगला है संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे संगम जो साहित्य हुआ तीन संगम साहित्यों का आयोजन हुआ था ठीक है तमिल में और जितने भी संगम साहित्य लिखे गए हैं तमिल भाषा में ही लिखे गए हैं वह पांडे राजाओं के संरक्षण में हुए हैं ठीक है नेक्स्ट है, है निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य राजा पुलकेशीन द्वितीय को पराजित किया था और उसका वध करके वाटा पिकोडा का खिताब हासिल किया था तो वह था नरसिंह वर्मन प्रथम ठीक है अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था तो महाबलीपुरम में जो स्मारकों का समूह है उसे बनवाया था पल्लव राजाओं ने ठीक है जी पल्लव राजाओं ने बनवाया था महाबलीपुरम के जो स्मारक है सातवीं सदी के बड़े भू स्वामी का योद्धा सरदार को राजा किस रूप में मान्यता देते थे तो मान्यता देते थे सामंत के रूप में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बारहवीं शताब्दी में कर्नाटक में नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया जो प्रारंभ में जैन मन को मानने वाला था और यह किस राजा के दरबार में मंत्री था यह क्वेश्चन है ठीक है तो यह चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री था यह सी एच एस एल का क्वेश्चन है 2019 में पूछा हुआ ठीक है नेक्स्ट है पढ़नी ने किस रचित पढ़नी ने किस पुस्तक को लिखा है ठीक है या ऐसा कहें तो पाणनी ने रचित पुस्तक का नाम बताना है ठीक है तो इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है अष्टाध्यायी ठीक है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और एमटीएस में भी पूछा हुआ है 2016 में ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है पतंजलि किसके संचलन के लिए विख्यात है पतंजलि जो है यह योग सूत्र के लिए विख्यात है अगला क्वेश्चन है कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है ठीक है नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में क्या लिखा था अर्थशास्त्र किस किसने लिखा था तो यह अर्थशास्त्र जो है चाणक्य ने लिखा था ठीक है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणवृद्ध था संस्कृत का प्रथम व्याकरणवृद्ध थे पारनी जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना भी की सी एच एस एल का यह क्वेश्चन है जो कि पूछा हुआ पतन पंचतंत्र के किसने लिखा है पंचतंत्र को लिखा है विष्णु शर्मा ने ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किसके द्वारा की गई तो नागानंद की रचना की गई है हर्षवर्धन के द्वारा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय सूत्र किसने लिखा न्याय सूत्र लिखा है किसने गौतम मुनि ने ठीक है अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था इसमें से बताना है आपको कि शिक्षा का केंद्र कौन नहीं था तो वह कौशाम्बी ठीक है कौशाम्बी इसमें से शिक्षा का केंद्र नहीं था बाकी तक्षशिला विक्रमशिला और नालंदा शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे हैं तक्षशिला इस समय पाकिस्तान में है नालंदा का पुनरुद्धार हो चुका है ठीक है जो कि बिहार में है और विक्रमशिला बंगाल में है ठीक है अगला क्वेश्चन है न्याय साध के रचयिता कौन है नाट्य साध की रचयिता कौन है भरत मुनि नाट्य साध की रचयिता भरत मुनि है अगला क्वेश्चन है माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर किस समुदाय के पवित्र तीर्थस्थल से संबंधित है यह जैन धर्म से संबंधित है दिलवाड़ा का मंदिर यह क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं अगला क्वेश्चन है त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूर्ति बहुत कम होती है तो ब्रह्मा की जो पूजा है वह बहुत कम होती है आप लोगों को पता होगा ब्रह्मा की पूजा होती ही नहीं है लगभग ठीक है तो यह सी में क्वेश्चन पूछा हुआ था 2017 का यह क्वेश्चन है बहुत ही आसान है अगला क्वेश्चन है नालंदा महाविहार साइट कहाँ पर है नालंदा जो है वह कहाँ पर है बिहार में ठीक है अगला क्वेश्चन यहाँ पर मिलान करना है आपको मंदिरों के नाम दिए गए हैं और किस राज्य में यह मंदिर स्थित हैं उसको आपको बताना है ठीक है तो मैं आपको आंसर ही बता देता हूं डायरेक्ट इसका आंसर होगा सी सी जी एल सी एच एस एल में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था 2017 में जैसे कि सोमनाथ मंदिर जो है कहां पर है गुजरात में ठीक है और उसके बाद आपका कामाख्या मंदिर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है वह कहां पर है आपका असम में ओके उसके बाद आपका तीसरा जो है रामनाथ स्वामी मंदिर वह आपका कहाँ है तमिलनाडु में और आपका महाबोधि मंदिर जो है वह कहाँ पर है आपका बिहार में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टानों को काट कर का बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला कहाँ पर पाई गई पाई जाती है यह पाई जाती है कहाँ बिहार में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम बेटका की जो गुफाएं हैं ठीक है वह कहाँ पर है मध्य प्रदेश में भू, भीम बेटका की जो गुफाएं हैं उसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में भी शामिल किया हुआ है क्योंकि यह बहुत ही प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं और साथ ही साथ यहाँ पर पूरा पषाण काल मध्य पषाण कर नौ पषाण काल तीनों पाषाण युग के जो हमें साक्ष्य हैं वह मिलते हैं ठीक है तीनों पाषाण युग के जो चित्र हैं वह हमें मिलते हैं यहाँ पर ठीक है तो बहुत ही यह प्रसिद्ध स्थल है भीम की गुफाएँ अगला हमारा है एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर मिलती हैं एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में मिलती हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगिरी का किला ग्रहवी शताब्दी में बनाया गया यह ऐतिहासिक किला है जो कि किस राज्य में है यह हमसे पूछा है यह आंध्र प्रदेश राज्य में है सी एच एस एल का क्वेश्चन है 2018 में पूछा हुआ ठीक है चंद्रगिरी का किला जो है यह कब बनाया गया था एक ग्रही शताब्दी में यह बहुत ही ऐतिहासिक किला है और यह आंध्र प्रदेश में पाया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है तो कौन सा ऐसा गुफा है जो मुंबई हार्बर में स्थित है और शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है तो वह एलिफेंटा की गुफाएं अगला क्वेश्चन है एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित हैं एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं वह कहां पर हैं मुंबई शहर में अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्तकी की मूर्ति जो कि कांसे की मिली हुई है वह किस सभ्यता में पाई गई थी तो वह पाई गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है एलिफेंटा की गुफाएं जो है वह शिव को समर्पित है ठीक है अगला क्वेश्चन भीम बेटका के रॉक साइल्टर किसकी तलहटी में स्थित है यह है बिंध रेंज में ओके और यह मध्य प्रदेश में है अगला क्वेश्चन एलिफेंटा के प्रसिद्ध कार्तिक मंदिरों का श्रेय दिया जाता है किसको चालुक्यों को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित है चंदेल राजा किससे संबंधित है यह है खजुराहों से संबंधित ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुफा मंदिर सबसे प्राचीन है तो यह है बराबर ठीक है अगला क्वेश्चन है चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहा है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है तो बृहदेश्वर मंदिर है तंजाऊर में ओके यह सीजीएल का क्वेश्चन है 2016 में पूछा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है और यह चोलों के समय में बना हुआ था चोल वंश के जब राजा थे उनके समय में ठीक है अगला क्वेश्चन है कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म जैन धर्म और हिंदू धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है तो यह है एलोरा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र है किसका तो हम्पी जो है वह हिंदू धर्म का जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र है स्मारकों से संबंधित अगला क्वेश्चन है एलोरा की गुफाएं एलोरा की गुफाएं जो है कहाँ पर हैं यह महाराष्ट्र में है ठीक है अजंता और एलोरा दोनों जो हैं महाराष्ट्र में औरंगाबाद में है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम स्थित काश्मीय सैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है तो यह है रथ ठीक है अगला क्वेश्चन है हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह किस राज्य में है हम्पी जो है वह कर्नाटक में है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा में चालुक्य मंदिर जो कि जैन धर्म जैन मंदिर से संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है यह कहाँ पर स्थित है यह राजस्थान में स्थित है ठीक है अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया पल्लवों के द्वारा ठीक है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है इसमें से आपको बताना है कि सही मेल किसका नहीं है गलत हमको छाटना है ठीक है तो जो जैन मंदिर है वह खजुराहो में स्थित नहीं है तो यह आपका गलत हो जाएगा ठीक है बाकी जो महाकाल मंदिर है उज्जैन जैन में है श्रृंगेरी मठ है निकम जिला में है मंगलूर जिला और सूर्य मंदिर जो है वह कोडार्क में ही स्थित है ठीक है तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गुजरात में रानी की वाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो रानी की वाव एक मशहूर है ठीक है क्या है यह रानी की वाव तो यह एक बावड़ी है ओके स्टेपेल अगला क्वेश्चन है हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया ठीक है हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया था तो यह किया था हरिहर और बुक्का ने यह जेई का क्वेश्चन है 2017 में पूछा हुआ अगला क्वेश्चन देखते हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में है महाराष्ट्र में है औरंगाबाद में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य मंदिर कौन से राज्य में है सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ किस राज्य में है सूर्य मंदिर यह है आपका उड़ीसा में उड़ीसा राज्य में है सन टेम्पल एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 का ठीक है अगला क्वेश्चन है हम्पी के स्मारकों के समूह कहाँ स्थित है तो हम्पी जो है वह कर्नाटक में है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चौबीस पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर है तो यह है कोडार का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है ठीक है 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीएल में ठीक है तो यह सूर्य देवता का जो रथ के रूप में मंदिर बनाया गया है खींचते हुए वह कोड़ार के सूर्य मंदिर से ही संबंधित है सूर्य मंदिर जो है कोड़ार का उड़ीसा राज्य में है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोड़ार का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया तो यह बनवाया गया था नरसिंह देव के साथ के द्वारा ठीक है यह सी एच एस एल का क्वेश्चन है दो हजार में पूछा हुआ अगला क्वेश्चन है पडकल में स्थित स्मारकों का समूह कहाँ पर है यह कर्नाटक में है अगला क्वेश्चन है बृहदेश्वर बृहदेश्वर मंदिर मंदिर पर है है बहुत ही है। एक बार पहले भी आ चुका है यह क्वेश्चन ठीक है दोबारा से रिपीट हो रहा है सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन दो का तंजावर में स्थित है यह बृहदेश्वर का मंदिर ओके okay? तंजावर में अगला क्वेश्चन द्रविड़ पद्धत के मंदिर के वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है तो द्रविड़ मंदिर जो है द्रविड़ पद्धत के द्वारा जो मंदिर के वास्तुशास्त्र हैं यह जो है विमान के द्वारा प्रतिनिधित्व तो करते हैं अगला क्वेश्चन है पड़कल में स्थित स्मारकों के समूह को किसने बनवाया तो यह बनवाया था किसने चालुक्य राजाओं ने ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं किस मंदिर का परिसर का आकार भव्य रथ के समान है और जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए स्तंभ और दीवारें हैं ठीक है तो यह सूर्य मंदिर ही होगा जहाँ भी आपको रथ के रथ के बारे में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए सूर्य देवता के जो रथ हैं उन ठीक है सूर्य देवता का जो मंदिर है वहीं पर रथ बने हुए हैं ठीक है और वह कोणार्क मंदिर से संबंधित है कोड़ार्क का जो सूर्य मंदिर है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का जो मंदिर है बिष्णु मंदिर उसको किसने बनवाया था तो यह बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने ठीक है बिष्णु मंदिर बना अंकोर वाट का जो मंदिर है वह विष्णु देवता को समर्पित है तो यह भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो यह कहाँ पर है कंबोडिया में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कोड़ार का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था यह फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यह बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने एम में पूछा हुआ क्वेश्चन है यह मिलान करने को आपको दिया हुआ है ठीक है तो आपको बताना है इसमें से क्या सही होगा तो आंसर ही हम देख लेते हैं सी ऑप्शन आपका सही होगा जिसमें से पहला यानी कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है बृहदेश्वर मंदिर जो है आपका कहाँ पर है तमिलनाडु में तंजावुर में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा जो हमसे पूछा गया है दिलवाड़ा का टेम्पल दिलवाड़ा मंदिर वह कहाँ पर है राजस्थान में ठीक है राजस्थान में उसके बाद तीसरा जो हमारा लिंगराज मंदिर है लिंगराज मंदिर क्या होगा उड़ीसा में ठीक है और चौथा जो है सी ठीक है सी जो हमारा है यानी कि हम्पी स्मारकों का समूह जो है ओके okay. यह कहाँ पर होगा यह हमारा होगा कर्नाटक में हम्पी के जो स्मारक हैं वह कर्नाटक में है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं शिव गुफा कहाँ स्थित है शिव गुफा जो है वह हमारा एलिफेंटा की गुफाएं में संबंधित है एलिफेंटा की गुफाओं से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था मौर्य से संबंधित अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान कीजिए यहाँ पर मंदिर दिए गए हैं और वह मंदिर किस धर्म से संबंधित है यह हमें बताना है ठीक है तो दिलवाड़ा मंदिर है स्वर्ण मंदिर है कमल मंदिर और सूर्य मंदिर ठीक है तो आंसर में आप बता देता हूँ ठीक है आंसर नंबर वन जो है वह सही है दिलवाड़ा मंदिर जो है वह जैन धर्म से संबंधित है यह राजस्थान में है ठीक है स्वर्ण मंदिर जो कि सिख धर्म से संबंधित है यह पंजाब में है कमल मंदिर जो है वह बहाई धर्म से संबंधित है सूर्य मंदिर जो है वह हिंदू धर्म से संबंधित है उड़ीसा राज्य में स्थित है कोडार का सूर्य मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है ठीक है यस सी एच एस एल का क्वेश्चन है 2016 में पूछा हुआ ठीक है, है? तो है, है अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची के बौद्ध स्मारक कहाँ पर हैं तो सांची के जो बौद्ध स्मारक हैं वह आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है अगला क्वेश्चन है कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है तो इसका आंसर होगा गांधार ठीक है गांधार जो कला शैली है वह ग्रेको रोमन और बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है किन दो कलाओं का संयोजन जो है गंधार कला है ठीक है गंधार कला जो है वह कौन से दो कलाओं का संयोजन है यह सीजियल में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसका आंसर होगा हिंद यूनानी हिंद यूनानी का संयोजन है कौन सी कला शैली गंधार कला शैली ठीक है अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप किसने बनवाया था सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था यह किया था अशोक ने ठीक है मौर्य वंश का यह शासक था बिंदुसार का पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है धमेक स्तूप का निर्माण किसने कराया धमेक स्तूप का निर्माण भी अशोक ने किया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम द्वारा स्थापित किया गया था किसके द्वारा स्थापित किया गया था महाबलीपुरम तो महाबलीपुरा में स्थापित किया गया था नरसिंह वर्मन के द्वारा ओके ये सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है दो का नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा का निर्माण शुरू में किसने करवाया था नालंदा जो महाविहार है बौद्ध धर्म के लिए शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है ठीक है उसको कुमार गुप्त ने बनवाया था गुप्त वंश का शासक ठीक है यह सी का क्वेश्चन है 2017 का और इसको नष्ट कर दिया था मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था ठीक है उसने बख्तियार खिलजी ने उसके बाद इसका फिर से पुनर्निर्माण कराया गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है जो तांडवम नामक एक दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं यह किससे संबंधित है तो नटराज की जो मूर्ति मिली है ठीक है नटराज की जो मूर्ति मिली है शिव का चित्रण करते हुए जो तांडव नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं तो यह नटराज से संबंधित होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काट कर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं तो जो अजंता की गुफाएं हैं ठीक है अजंता में जो चट्टानों को काट कर बनाए गए गुफा स्मारक हैं वह किस धर्म से हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है इसमें से क्या सही नहीं है तो महाराष्ट्र में स्थित है यह सही है ठीक है ऑप्शन नंबर बी है वे बौद्ध कला से सुसज्जित हैं तो यह बौद्ध धर्म से ही संबंधित है यह भी आपका सही है प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है यह भी आपका सही है ठीक है अगला आपका दिया हुआ है इनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है यह आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा ठीक है इससे संबंधित नहीं है ठीक है अगला क्वेश्चन है भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पांचवीं और दसवीं शताब्दी के बीच पश्चिमी कहाँ पर पश्... तैलीय रंगों का इस्तेमाल किया गया था तो पश्चिमी अफगानिस्तान में तैलीय रंगों का इस्तेमाल किया गया था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भीम बेटका के रॉक सेल्टर किसकी तलहटी में स्थित है भीम बेटका की जो गुफाएं हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं यहाँ पर पूरा पाषाण काल मध्य पषाण काल और नव पाषाण काल जितनी तीनों पाषाण काल की हमें कलाकृतियाँ मिलती हैं ठीक है और इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है ठीक है तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह हमें कहाँ पर मिली है सी बिंध रेंज में ठीक है 2018 का यह क्वेश्चन है सी का अगला क्वेश्चन है रानी ने भारत के किस राज्य पर ठीक है दिद्दा नाम की रानी ने 980 से 1003 तक शासन किया था तो यह शासन किया था कश्मीर राज्य में अगला क्वेश्चन है सबसे पहले तोमर राजपूत के काल में राजधानी बनी कहाँ पर तो यह बनी थी दिल्ली ठीक है पृथ्वीराज त्वितीय ठीक है ग्यारह सौ बानवे का सबसे प्रसिद्ध शासक कहाँ का था तो यह था चाहमान वंश का चाहमान वंश का यह शासक था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है बारहवीं सदी के मध्य में तोमर राजपूतों को किस चौहान ने पराजित किया था कहाँ के चौहानों ने तो यह थे यह आपके थे अजमेर के चौहान ठीक है अजमेर के चौहानों ने तोमर राजपूतों को पराजित किया था बारहवीं सदी के मध्य में अगला क्वेश्चन देखते हैं पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे पृथ्वीराज चौहान के पिता थे ठीक है सोमेश्वर चौहान ठीक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह आपका एस एस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में अभी लेटेस्ट क्वेश्चन ठीक है अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था और उसके साथ शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी तो यह इन्होंने विवाह किया था संयुक्ता से ठीक है संयुक्ता जो कि जयचंद की पुत्री थी ठीक है उनको उनके घर से लेकर के यह भाग गए थे चले गए थे जिसके कारण जयचंद के साथ इनकी शत्रुता हो गई थी और इसी के लिए जब मोहम्मद गौरी के साथ इनका युद्ध हुआ तो जयचंद ने और जितने भी राजपूत थे राजपूत राजा उन्होंने इनकी मदद नहीं की और इनकी हार हुई तराइन के द्वितीय युद्ध में ठीक है तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत चुके थे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था तो पाल साम्राज्य की स्थापना की थी गोपाल ने ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन उस कवि का नाम बताइए जितने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी और पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन किया है तो पृथ्वीराज रासो बहुत ही प्रसिद्ध एक रचना है जिसको लिखा है चंद्रवरदाई ने ठीक है यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है और सी का यह क्वेश्चन है 2016 में पूछा भी गया था ठीक है अगला क्वेश्चन है पाल वंश का वह राजा कौन था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था यह बंगाल राज्य में स्थित था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनवाया था धर्मपाल ने ठीक है धर्मपाल जो कि पाल वंश का ही राजा था बहुत ही प्रतापी राजा था नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था धर्मपाल ठीक है पालवंश का महान राजा था नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य नमस्कार के कितने चरण होते हैं तो सूर्य नमस्कार के बारह चरण होते हैं टोटल ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं पांडवों के बीच सबसे बड़ा भाई कौन था वह थे युधिष्ठिर ठीक है पांच भाई थे जिसमें सबसे बड़े युधिष्ठिर थे अगर कर्ण को नहीं गिना जाए तब तो, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पित्र प्रधान समाज से क्या अभिप्राय है पितृ समाज पित्र प्रधान समाज वह होता है जिसमें ऐसी व्यवस्था जिसमें पुरुषों को महिलाओं से अधिक महत्व दिया जाता है और अगर मातृ प्रधान समाज की बात की जाए तो उसमें महिलाओं को अधिक महत्व दिया जाता है सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम हिस्ट्री के दृष्टि से देखें प्राचीन इतिहास में तो हम कंपेयर कर सकते हैं किस में हम कंपेयर कर सकते हैं वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता में ठीक है सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह शहरी सभ्यता थी और इसीलिए वह मात्र प्रधान सभ्यता थी ठीक है वैदिक काल जो है वह ग्रामीण सभ्यता थी और जैसा कि हम गांव में देखते हैं वहां पर पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है महिलाएं जो हैं घर के अंदर ही रहती हैं ठीक है थीके? तो वैदिक सभ्यता इसीलिए हमारी पुरुष प्रधान सभ्यता थी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यह दो में पूछा हुआ क्वेश्चन था ठीक है सीजियल का अगला क्वेश्चन कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है कमल मंदिर जो है वह आपका बहाई धर्म से संबंधित है अगला क्वेश्चन तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा से भी ज़्यादा प्राचीन है ठीक है और यह इस समय भारत में नहीं है यह पाकिस्तान में स्थित है और दो नदियों के बीच स्थित है यह सिंधु और झेलम के बीच स्थित है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है आपको गलत बताना है ठीक है तो वेदसांग तो चीन का ही था इब्न बतूता जो है वह मोरक्को से ही आया था मेगास्थनीज जो है वह यूनान का था लेकिन फाहयान मलेशिया का नहीं था फाहयान कहाँ का था वह चीन का था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय भा, खगोल शास्त्री कौन थे तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए समय की गणना करने वाले प्रथम खगोल शास्त्री कौन थे यह थे भास्कराचार्य ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरालेख लेख शास्त्र किसका अध्ययन है तो यह जो अध्ययन है यह आपका शिला लेख से संबंधित है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एक मठवानी और शैक्षिक संस्था के पुरातात्विक अवशेष में शामिल क्या है तो यह शामिल है नालंदा अगला क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है तो यह नाम है असम ठीक है असम राज्य में अगला क्वेश्चन है उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है उदंतपुरी शिक्षा केंद्र जो है यह आपका बिहार नेक्स्ट क्वेश्चन है छठी शताब्दी के शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन था तो वह था सुंग युंग ठीक है वेन जो है वह हर्षवर्धन के टाइम में आया था सातवी शताब्दी में और फाहयान जो है वह आया था चंद्रगुप्त के टाइम में ठीक है तो यह सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राचीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चन आज तक आज तक लेटेस्ट क्वेश्चन ठीक है 2010 के बाद एसएससी ने जितने भी परीक्षाएं आयोजित की हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री से पूछे गए हैं वह सारे इसमें इंक्लूडेड थे ठीक है और इसको अपडेट भी किया गया है 2019 तक के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए थे एस एस सी सी जी एल एस एस सी सी पी ओ जे ई एम टी एस सी एच एस एल सभी परीक्षाओं के इसमें क्वेश्चन शामिल किए गए हैं तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और लाइक कीजिएगा सभी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा जिससे सभी को फ़ायदा हो सके और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद